ए हेलो, गुड मॉर्निंग जनता, कैसे हैं आप लोग। आई रियली विश ट्यूपर वाले की ब्लेसिंग्स आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बना रहे। आज का जो मुकाबला है वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होने वाला है, जो कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल। पिछला मुकाबला जो था वो राजस्थान रॉयल्स का, वो इसी स्टेडियम में हुआ था। हालांकि वो वाला जो मैच हुआ था वो दोपहर में हुआ था और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने खेला था, जहां पहले बैटिंग करते हुए इन लोगों ने 193 बनाया था 4 विकेट के नुकसान पे। तो लखनऊ यहां पे आ करके 173 ही बना पाती है और 6 विकेट के गिर जाते हैं। और मैक्सिमम जो विकेट लेके कोई जाता है तो वो कौन लेके जाता है? पेसर्स। हालांकि वो जो मुकाबला था वो दोपहर में था, इसके बावजूद पेसर्स का ही दबदबा दिखता है, स्पिनर्स को उतनी मदद वहां पर नहीं मिलती। हालांकि विकेट लिया गया था, बट मैक्सिमम विकेट किसने लिया था? पेसर्स ने वहां पर विकेट लिया था। आज के मुकाबले की अगर बात करें तो दिल्ली वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का है। राजस्थान रॉयल्स को देखो तो अपना पिछला मुकाबला बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीत के आ रही है। तो दिल्ली है तो अपना पिछला मुकाबला एज एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद किया गया था कि शायद टूर्नामेंट की शुरुआत उस तरीके से ना कर पाए, अच्छे से ना कर पाए, क्योंकि इनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है और बहुत हद तक ये निर्भर दिख रही है डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के ऊपर। और क्योंकि ऋषभ पंत अभी फिट होकर के आ रहे हैं, तो मैंने आपको उसी मैच में बोला था कि स्ट्रगल करेंगे तो टीम में मत रखना, जो कि आपके लिए सही रहेगा। चलो वैसे बात कर लेते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो आज का मुकाबला होने वाला है, वो आज के मुकाबले के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये बैटिंग के लिए मदद करेगी, क्या ये बॉलिंग के लिए मदद करेगी, और अगर बॉलिंग के लिए मदद करती है तो पेसर्स को मदद करेगी, स्पिनर्स को मदद करेगी, मैच में क्या देखने को मिल सकता है, और जो टीम का बिल्डअप करेंगे वो किस तरीके से कर सकते हैं। समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो यही होती है कि हम टीम किस तरीके से बनाए। हमें सिनेरियो क्रिएट करना होता है कि अगर राजस्थान पहले बैटिंग करता है तो मान के चलना होगा कि अगर टॉप थ्री उनका चलता है तो टॉप थ्री को इनको लेंगे, फिर उनके गेंदबाज को लेंगे, और इनके फिर बचेंगे चार पांच, दिल्ली के चार पांच लेंगे। या फिर हम मान के चलने कि अगर यहां पर राजस्थान अगर यहां पर चेस करता है और टॉप ऑर्डर कहीं कहीं लड़खड़ाता है और मिडिल ऑर्डर आकर के अच्छा खेलता है, तो फिर मिडिल ऑर्डर से बल्लेबाजों को निकालेंगे। मतलब जो टीम हम क्रिएट करेंगे ना, वो अलग अलग सिनेरियो को बनाते हुए करेंगे। कहीं ना कहीं हम ये भी मान के चलेंगे कि दिल्ली हालांकि अपना पिछला मुकाबला हारी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से हम क्या कर दें, इसको अंडर एस्टिमेट करें। हालांकि बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा जहां पे आपको शायद बोला गया होगा कि दिल्ली यहां पे वीक है, बट यस दिल्ली वीक है और राजस्थान रॉयल्स उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ध्यान दो, वहां पे जो दो बल्लेबाज खेलते हैं, खासतौर से मिचेल मार्श की बात कर ले, डेविड वार्नर की बात कर ले, एंड यस ऋषभ पंत आज के मैच के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकते हैं। बिकॉज पिछला मुकाबला मैंने आपको बताया था वो कभी स्ट्रगल करेंगे और इस मैच के लिए मत रखना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, मुझे लिटरली लगा कि बैट गेंद जो है वो बल्ले पर उनकी आ रहा था, और आज के मुकाबले के लिए वो प्लेयर काफी ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि पिच को ध्यान में रखते हुए ऋषभ पंत आज आपके जो प्लेइंग बेस्ट प्लेइंग 11 होती है ना, उसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखो सारी बातों को मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं आधार देते इस वीडियो में बोलूंगा, इसलिए एक एक बातों को मेरे ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि जितनी बातें मैं बोल जाता हूं मुझे खुद ही एग्जैक्टली नहीं याद होगा कि कितनी बातें मैं बोल जाऊंगा, लेकिन जितनी बातें बोलूंगा काम की बात बोलूंगा। कल के मैच में नमन धीर को मैंने बताया था कि नमन धीर देखना कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और आपने देखा बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा। और फिर आपने ये भी देखा तो ईशान किशन को मैंने बोला था 0 पावर हुआ है लेकिन यहां पे कारनामा करेगा, और आपने देखा कम ही गेंद पे बहुत बड़ा कारनामा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो मैंने टीम दिया था उस टीम में नहीं, जो टीम ने, जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रोहित शर्मा के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, हालांकि देखो टीम में मैंने दे दिया था क्योंकि थोड़ा सा डर तो रहता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वीडियो में मैंने बोला था कि मैं श्योर नहीं हूं, एंड यस मैंने मयंक अग्रवाल को भी नहीं रखा था। तो आप जानते हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां टेलीग्राम और वीडियो ये दोनों को मिलाकर के चीजें जो मेरी देखता है उसको हमेशा कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो एम फाका जो एक टीम में मैंने दिया था वही मेरा होता, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें थी वो सही थी। चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान रॉयल्स में अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहां पे जो है वो 150 से 170 के बीच का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट 214 रन है जो कि राजस्थान रॉयल्स का ही है, और लोएस्ट स्कोर भी यहां पे 59 रन का ही है जो कि 10 विकेट गिर गए थे और राजस्थान रॉयल्स का ही है। अब देखा जाए कि ये पिच मदद किसको करेगी किसको नहीं करेगी, सो यस ये जो मैच जो होने वाला है वो रात को मैच होने वाला है, और ध्यान देना रात में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्यू फैक्टर रहता है, तो ड्यू के फैक्टर की वजह से क्या होता है कि गेंद जो होती है वो बल्ले पर आराम से आती है। ड्यू फैक्टर क्यों समझना, जो रेत होती है ना, या राजस्थान की जो रेत है, रेत की जो परिभाषा होती है समझना, दोपहर में वो गर्म होती है और रात होते होते क्या हो जाती है ठंडा, तो जब ठंडी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है वो वेदर पे ही पड़ता है, और वेदर पे जब प्रभाव पड़ता है तो मौसम ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे आपको थोड़ा आपको मूवमेंट्स दिखेगा और हो सकता है ड्यू का फैक्टर भी दिखेगा, और ऐसे में जब ड्यू का फैक्टर दिखेगा तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी जो करनी होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है प्रेफरेबल हो जाती है, यानी लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे सेकंड इनिंग में आके क्या करा जाए,
जाए, चेस किया जाए, खासतौर से जब रात में मैच होगा तब। अब यहाँ पे कुछ स्कोर देखा जाए तो ये जो दोपहर वाला था 193-173 आपने देखा है, अभी जस्ट मैंने बताया है कि किसका हुआ था, राजस्थान का हुआ था और लखनऊ का हुआ था। लेकिन और भी मुकाबलों को देखा तो 171 रन बनाती है पहली टीम और दूसरी वाली 59 रन पर ऑल आउट हो जाती है, जो कि ये राजस्थानी रहती है जो ऑल आउट हो जाती है। फिर एक टीम यहाँ पे 214 रन बना रही है दो विकेट नुकसान पर, और सेकंड वाली इनिंग देखो, सेकंड वाली टीम देखो 217 रन बना के चेस कर ले रही है, यानी 214 बनाए पहले लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो रन क्या हो गया, चेस हो गया, यानी 200 पार भी यहाँ पे क्या है, सेफ नहीं है। दूसरी तरफ यहां देखोगे तो एक टीम 118 रन बना के ही सिर्फ ऑल आउट हो गई, सिर्फ 118 पे ऑल आउट हो जाती है, तो सेकंड टीम उसी पिच के ऊपर 119 रन बना कर क्या करती है, मात्र एक विकेट खोते हैं और वो जीत जाती है। यानी क्या है कि समझ लो कहीं ना कहीं ये ऐसे पिच है जो समझ लो दोनों के लिए बैलेंस चल रहा है, डिपेंड करता है कि पिच आज के लिए जो पिच बनी वो किस तरह की पिच बनी है, दरारें हैं पिच के ऊपर या फिर ड्यू का फैक्टर आ सकता है, क्योंकि हम लास्ट तक चेक करेंगे ड्यू का फैक्टर है कि नहीं है, दरारें हैं कि नहीं है, जो पैचेस वहां पे होते हैं पैचेस हैं कि नहीं है। हालांकि जो पिच रिपोर्ट देते हैं ये लोग तो क्या ही बोले, आप देखते ही हो कल का देखा ही अपने पिच रिपोर्ट इन लोगों ने क्या दिया था, तो क्या ही बोले आता माजी सटक भी हो जाता है। खैर वेन्यू के 2020 के स्टैट्स को देखा जाए तो टोटल मैचेस यहाँ पे 53 हुए और पहले बैटिंग करने वाले ने 19 जीता है और सेकंड बैटिंग करने वाले ने 34, यानी सेकंड इनिंग में जो खेल रहा है वो ज्यादा जीत रहा है, यानी कप्तान यहाँ पे टॉस जीत करके वो क्या ले रहा है, वो फील्डिंग लेना चाह रहा है, क्योंकि वो सेकंड इनिंग में आकर के चेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि चेस करना यहाँ पे आसान है और मैंने बताया था कि यहाँ 200 भी देखो क्या है सुरक्षित नहीं, और किस लिए सुरक्षित नहीं, क्योंकि बैटिंग पिच तो अच्छी है ही है, साथ ही साथ ड्यू का फैक्टर भी, इस वजह से गेंद जो होगी बल्ले पे आसानी से आएगी, इसलिए सेकंड इनिंग को ध्यान में रखते हुए करना। तो अगर दिल्ली सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो इसका मतलब यह है कि वो भी गेम में है, अगर दिल्ली पहले इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो कहीं ना कहीं आप कह लोगे कि हाँ यार आज तो सिचुएशन भी वैसी है कि पहले बल्लेबाजी भी करना पड़ा और पिच का रिपोर्ट भी वही, तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड इनिंग में करेगी तो ध्यान देना डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, इनका चेजिंग में बहुत बड़ा नाम है, ये दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। हालांकि पहले इनिंग जब खेलेंगे तो भी वो दोनों प्लेयर होंगे ऐसे प्लेयर हैं कि मारना जब चालू करेंगे तो धागा खोल देंगे, तो जब धागा खोल देंगे ट्रस्ट मी अगर लंबा स्कोर खड़ा कर देंगे तो राजस्थान को आप एक तरफा नहीं बोल सकते कि आकर के चेज ही कर ले, किसी दिन भी कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है, कोई भी प्लेयर कुछ भी कर सकता है, इसलिए स्टैट्स का ध्यान देना, लेकिन स्टैट्स से ज्यादा इस बात का ध्यान देना कि सिनेरियो आज हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टीम को बिल्डअप कर सकते हैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, बताऊंगा सिखाऊंगा सारी चीजें बारी बारी से, ठीक हो। रिसेंट आईपीएल के स्कोर कार्ड देखा जाए, इस वेन्यू के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो मैंने दिखाई दिया ना ऑलरेडी दिखा दिया, बट देखो यहाँ पे क्या था, पेस ने दो विकेट और स्पिन ने 3 विकेट लिया था, एक 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 करके, 3 बहुत अच्छे स्पिनर फेंक रहे थे और एक 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 करके तीनों ने लिया था। फिर यहां पे देखो स्कोर कार्ड तो देख ही चुके हो, पेसर देखो पहले इनिंग में 3 विकेट मिल रहा है और सेकंड इनिंग में पेसर विकेट नहीं लेके जा रहा, क्योंकि सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, स्कोर चेज हो जा रहा है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का दबदबा है, जो भी विकेट गिरेंगे ना वो स्पिनर ही लेगा, देखो यहां पे, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो यहां पे भी स्कोर कार्ड देखा आपने, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट पहले इनिंग में, और दूसरे इनिंग की बात करो तो पेसर यहां पे 2 ही विकेट ले रहा है, जो कि मुझे लगता है शायद हो सकता है कि पावर प्ले के अंदर, क्योंकि शुरुआत में जब ड्यू जब आना चालू होगा तो 5-6 ओवर तक मतलब थोड़ा सा फ्रेश रहता है, लेकिन 6 ओवर के बाद और भी ज्यादा ड्यू आना चालू करेंगे तो जो विकेट गिर जा रहे हैं ये शुरुआत में गिर जा रहा है, और यहां पे जो आप देख रहे हो 3 विकेट, मुझे लगता है कि ये शुरुआत में ही स्पिनर वगैरह आ गए होंगे और स्पिनर्स ने अटैक किया होगा, जैसे आपका वो रवि बिश्नोई हो गया और ये एक उसका भाई हार्दिक पांड्या का क्या नाम है इसका, कुणाल पांडे, ये लोग आते हैं ना पावर प्ले में, तो इन लोगों ने शायद लिया होगा, ठीक है। इधर आते अगर देखते हैं एक्जैक्टली मुझे नहीं आता रहा, आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखो पेसर ने 6 विकेट और यहाँ पे भी पेसर ने 6 विकेट और स्पिनर ने 2-2 विकेट इस मैच में लिया था, तो स्पिनर भी और साथ में पेसर भी गेम में थे और पेसर कुछ ज्यादा, यानी पेसर का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है थोड़ा ज्यादा है, तो अगर क्रम लगाएंगे तो बैटिंग पहले नंबर पर आएगा, पेसर दूसरे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, स्पिनर, ये रहा क्रम, ओके, इस बात का ख्याल रखना। और कहीं ना कहीं सेकंड बैटिंग करने वाला क्या है, फेवरेट है। अब देखते हैं और भी चीजें, और यस पहले इनिंग में बल्ले गेंदबाजी करना क्या है, थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि पहले इनिंग में गेंदबाजी करते हुए फायदा मिल रहा है, चाहे पेसर हो या फिर स्पिनर हो, और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी का मतलब ये होता है कि जो पावर प्ले के अंदर ही जो गेंदबाजी कर ले वहीं तक फायदा, उसके बाद जब ड्यू आना चालू करेगा तो हाथ पे गेंद ग्रिप ही नहीं होगी, जब ग्रिप नहीं होगी क्यों, क्योंकि वो सारा तो ग्रिप नहीं होगा तो फिर स्पिन हो या फिर पेस हो, पेस भी फेंकोगे तो एकदम सीधा सीधा जाएगा, कोई स्विंग नहीं होगा, तो पाटा हो जाएगा, आराम से आएगा, और स्पिन भी फेंकोगे तो घूमेगी नहीं क्योंकि हाथ में ग्रिप होगी, इसकी नहीं पकड़ में आएगी। पिछले 27 मुकाबले देखा जाए, मैच प्लेड यहाँ पे 27, अच्छा देखो इनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए ना तो रिकॉर्ड तो 14 राजस्थान ने जीता है और दिल्ली ने यहाँ पे 13 जीता है, तो ये सब बहुत मैटर नहीं करता है, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ, ये चीज़ आप ले लो लास्ट 4 मैच का, अगर आप यहाँ पे चाहो ना तो ले सकते हो लास्ट 4 मैच का, आप यहाँ से आप चाहो तो ले सकते हो। लास्ट 4 मैच में 31 विकेट गिरे हैं जिसमें से, सॉरी लास्ट 4 मैच में जो भी विकेट गिरे हैं 2, 1, 3, 3, 2, 5, 53 विकेट गिरे हैं जिसमें से 31 विकेट पेसर ने लिया और 22 विकेट स्पिनर ने लिया। अब किस किस गेंदबाज ने लिया है उनकी क्वालिटीज यहाँ पे लिखी हुई, किस तरह की गेंदबाज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आपके लिए फायदा करेगा।
बट यहाँ पे देख लो ज्यादातर या देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम या मीडियम वाले ज्यादा कारगर साबित होते हैं, यानी जो वेरिएशंस रखेगा वेरिएशंस वाले को फायदा है, और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम यानी मीडियम वाला जो गेंदबाज है ना उसको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूअल नेचर की पिच हो सकती है, मतलब टू फेसेस वाली हो सकती है, हो सकती है कि थोड़ी सी दरारे वाली पिच हो तो कटर मारने वाले को यहाँ पे फायदा मिलेगा। दरारे वाले जब रहती है तो समझ लो क्या गेंद को क्या करता है, वो ग्रिप करता है, मुंह खोल करके पिच रहती है और गेंद को क्या करती है पकड़ती है, तो ग्रिप ग्रिप समझ लो वही होती है, तो ऐसे में जब ग्रिप रहती है तो जो स्लोअर कटर वगैरह मारता है उनको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिल जाती है। तो देखते हैं पिच कैसी है ना उसके हिसाब से बात करेंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन से कर लेना, ठीक है। अब चलो देखते हैं लास्ट हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करें स्टैट्स को देख ले, बट इसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको ना एक अच्छी सी टीम बना के दूंगा यार, बिल्कुल मैं अच्छी सी टीम बना के दूंगा, एक सेफ टीम बना के दूंगा, और वो जो टीम मैं बना के दूंगा वो मैं आपको स्मॉल लीग के लिए दूंगा, और उस टीम के साथ ना मैं आपको सच बताता हूं कि आप अगर cricket.com यानी CDC पे जाकर के खेलोगे तो वहां पे जो कॉन्टेस्ट होता है वो एक घंटे पहले बंद हो जाता है, बस मेन प्लेयर जो होते हैं ना 22 खिलाड़ी में से 11 मेन खिलाड़ी को पकड़ो और वहां पे जाके खेलो, कॉन्टेस्ट एक घंटा पहले ही बंद हो जाता है। टॉस छोड़ो लाइन आउट छोड़ो, आपने 11 खिलाड़ी को एक घंटा पहले पसंद कर लेना कि ये 11 खिलाड़ी जो अच्छा खेलने वाले हैं, अगर आपका कॉम्पिटिटर उन 11 खिलाड़ियों को नहीं पकड़ पाता तो ऑटोमेटिकली आप कॉम्पिटिशन जीत जाओगे, एक गुना दो गुना नहीं बल्कि आप 10 गुना वहां पे पैसा जीत सकते हो, 100 रुपए लगा करके आपके 1000 पहुंच सकते हैं। कहां पे CDC पर, यस वो वेलकम बोनस आपको कितने रुपए का दे रहे हैं, 2500 रुपए का, तो 2500 रुपए का तो वेलकम बोनस वो खुद ही दे रहे हैं। नया प्लेटफॉर्म है, कॉम्पिटिशन लेस है, जीतने की चांसेस क्या है हाई है, तो वहां पे जहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है भीड़ ज्यादा है उसकी तुलना में ऐसी जगह पे खेलो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलो जहां पे कॉम्पिटिशन क्या है कम है, तो कॉम्पिटिशन कम है क्यों, क्योंकि लोग वहां पे कम है तो चांसेस आपके विनिंग के क्या है हाई है, तो अगर आपके पास स्किल है आप पता लगा सकते हो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो बेस्ट 11 है 22 में से मिला के, CDC पे जाके खेलो, आपको वेलकम बोनस 2500 वो अपनी तरफ से दे रहे हैं और 10 गुना आपका प्राइस भी हो जाएगा, तो जाओ जाकर के जल्दी से वहां पे खेलो, लिंक में कार्ड डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके जाके खेलो, ठीक है। अब देखा जाए लास्ट हेड टू हेड देखा तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल ने 199 बनाया था और DC मतलब इनका जब मुकाबला हुआ था ना वो देख लेते कि क्या हुआ था, राजस्थान 199/4 थी और DC 142 रन 9 विकेट, खटिया खड़ी हो गई थी उनकी, तो यशस्वी जायसवाल 60 रन मारे थे, बटलर 79, हेटमेयर 39, बोल्ट ने 3 विकेट, चहल ने 3 विकेट, अश्विन ने 2 विकेट, यानी देख रहे हो जो बड़े प्लेयर हैं इनके जायसवाल बटलर बोल्ट चहल अश्विन हेटमेयर ये 6 के 6 इनके मेन सबसे बड़े प्लेयर हैं, बट यस वहां पे संजू सैमसन को भी जोड़ सकते, बट फिलहाल ये 6 जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिन्होंने सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। DC की तरफ से मैंने बताया था वार्नर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वार्नर देखो 65 रन, ललित यादव 38 रन, मैंने बताया था DC के मैच में कि ललित यादव एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये वो प्लेयर जो छुपा हुआ है इसके बारे में कोई देखता नहीं, बट ये छुपा हुआ खिलाड़ी है, बैटिंग से छुपके आपको पॉइंट दे देगा, जैसे वो रेड्डी हुआ करती थी ना, आपको रेड्डी किस टीम में थी, कौन सी अरुणीता रेड्डी थी क्या, वो जरा मुझे बताना कौन सी टीम में थी, प्लीज कमेंट करके और बताना। रेड्डी वो छुपी हुई खिलाड़ी थी ना, बैटिंग बॉलिंग करके दे जाती थी पता नहीं चलता था, ये ललित यादव वही छुपा हुआ खिलाड़ी है, बैटिंग भी कर लेगा और आपको पता है छुप के गेंदबाजी भी करके कहीं ना कहीं एक और ये विकेट ले सकता है, यस बिल्कुल ले सकता है। पृथ्वी शॉ के बारे में मैं ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, 3-4 मैच बीत जाने दो, थोड़ा सा इनको धरती पर आ जाने दो, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे, ये लड़का चलेगा बट अभी नहीं चलेगा, मैं बहुत श्योर नहीं, अगर आपको लगता है कि आज के मैच के लिए आप श्योर हो इनके साथ जा सकते हो बट मैं बहुत श्योर नहीं हूं, ठीक है। मुकेश कुमार की बात करें 2 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट और आर पॉवेल में भी हो सकता है गेंदबाजी करते देख सकते हैं, अगर आर पॉवेल गेंदबाजी भी करते हैं तो बैट्समैन प्लस बॉलिंग ये ऑलराउंडर जब तौर पे खेलेंगे ना तो ये बहुत ही एक कारगर ऑलराउंडर, ठीक है। अब आप जरा हेड टू हेड का इनका जो टॉप प्लेयर थे उनका जरा ले लो कि हेड टू हेड में जो टॉप प्लेयर आपस में जब लड़ाई हुई इनकी तो सबसे बेस्ट कौन खेला, क्योंकि जरूरी होता है ना जानना कि जब इनकी आपस में लड़ाई होती है सबसे बढ़िया कौन खेलता है। रविचंद्र अश्विन देखो देखो इसने रविचंद्र अश्विन था, डैरिल मिचेल है यहाँ पे, यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस देख लो, डेविड वार्नर का देख लो, ये मैच का यहां पे दिखा रहा है, ये दूसरे मैच में देख लो बटलर यहां पे थे, पृथ्वी शॉ थे, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा और ललित यादव, यहां पे देखो शिमरन हेटमायर, संजू सैमसन 2 बार दिख रहा है, एक यहां पे एक यहां पे और यहां पे नहीं दिख रहा है, यशस्वी जायसवाल बटलर यहां पे दिखे हैं और बटलर यहाँ पे नहीं दिखे हैं, बटलर एक जगह दिखे हैं, यहां पे यशस्वी फ्लॉप हो गए थे, यहां पे यशस्वी जायसवाल 19 रन 2 जगह फ्लॉप हो रहे हैं और यहां पे ऋषभ पंत 1 बार और ऋषभ पंत यहाँ पे दूसरी बार और चहल वगैरह यहाँ पे देख लो, चहल सबका ले लो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो सवाल यही है कि यार देखो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जो बड़ा प्लेयर है क्या उनमें से कौन सा सब बड़ा प्लेयर है जिसपे हम रिस्क ले सकते हैं और कौन सा वो ऐसा लेस छोटा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, पोटेंशियल छोटा नहीं वो लेस परसेंटेज वाला प्लेयर है जिसपे हम रिस्क लेते हुए टीम में हम डाल सकते हैं, इन बातों को डिस्कस तो करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है ना, करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बेस्ट प्लेइंग 11 जो होती है वो ऐसे ही बनती है। देखो इनकी टीम की लाइनआउट देख लो क्या है, जायसवाल बटलर संजू रियान
शिवराज हटमाया, ध्रुव, रविचंद्र अश्विन, संदीप शर्मा, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, यूजी और अच्छी गेंदबाजी किया था संदीप ने, डेथ में अच्छी गेंदबाजी किया था आवेश, ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में तो उखाड़ दिए थे यार, पक्का उखाड़ दिए थे, मजा आ गया था। ध्रुव जुरेल भी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जॉस बटलर आपको पता है लास्ट मैच में लाइक एज एक्सपेक्टेड जैसा था नहीं वैसा नहीं, बट संजू सैमसन क्या है शुरुआत में आपको पता है ये ताबड़तोड़ शुरुआत में ही चलता है, ये शुरू में चलेगा, जब इसका दिमाग डिस्टर्ब होता है ना उसके बाद ये गड़बड़ कर जाएगा, तो शुरू में चलेगा और जहां पे लगेगा कि आज तो चलना चाहिए तो फिर वो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, चलो बारी बारी से एक एक बारे में जानते हैं। यशस्वी जायसवाल 98% ऑफ सिलेक्शन क्या है, काफी ज्यादा हाई है। जॉस बटलर 84%। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक टीम ऐसी बनाना, इन दोनों को डाल देना, एक टीम ऐसी बनाना जिसमें से एक को आप ड्रॉप जरूर करना, करोगे क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा और आपको पता है पहले इनिंग में जो गेंदबाजी कर रहा है पेसर्स को मदद है, तो पेसर्स को मदद है तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जो दिल्ली के गेंदबाज है कहीं ना कहीं वो भी तो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी तो खेलने ही आए, वो भी तो झंडे गाड़ने यहाँ पे आए कि भाई हम भी हैं, खेल रहे हैं, अपनी जगह को बनाने आए। और मैंने आपको बताया वर्ल्ड कप आने वाले, तो इंडियन खिलाड़ी पर नजर रखना, तो वहां से नजर रखो आप, बिल्कुल नजर रखो सर। तो जरूरी है एक मैच में क्या होगा कि विकेट गिर सकता है, इसमें से एक टॉप ऑर्डर को आप उड़ाते हुए एक टीम बनाना, ठीक है, एक में दोनों रखते हुए। अभी पहले बैटिंग करते हुए संजू सैमसन को आप रखना। संजू सैमसन क्या है आज के लिए मैं बोलूंगा, विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग, आज की जो पिच है वो सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि जहां पे आपको मदद मिलेगी, विकेट गिरता दिखेगा, तो खासतौर से पहले इनिंग में तो देखो कीपिंग अगर ये करता है तो विकेट कीपिंग से पॉइंट, प्लस सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी क्या हो जाएगी थोड़ी आसान हो जाएगी। संजू सैमसन पहले इनिंग के अच्छे प्लेयर हैं लेकिन सेकंड इनिंग में ओस की वजह से क्या बैटिंग आसान हो जाएगी, और पहले इनिंग में जब कीपिंग करेंगे तो बॉलर्स को मदद है, तो कीपिंग से पॉइंट, तो 8-8 ऐसे करके पॉइंट मिलता है आप जानते हैं कीपर को, प्लस बैटिंग कर लेंगे तो आपका अच्छा प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ये जो कंटेंडर है वो बिल्कुल अच्छा है। और इन दोनों की अगर बात करेंगे, सेकंड इनिंग हो या पहले इनिंग हो, एक टीम में आप जरूर इन दोनों रखना, और एक टीम में आप खासतौर से पहले इनिंग में आप एक को उड़ाते हुए भी टीम बना सकते हो। दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज, मेरी फीलिंग है ऐसी, ठीक है, मैं अपना आपको ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। रियान पराग का लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था इनके पहले मैच में कि ये प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है, उसके ऊपर नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, तो इसके ऊपर नजर रखना। और लास्ट मैच में आपने देखा 43 रन बनाया, मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है, उम्र के साथ साथ परिपक्वता आती है ना, तो परिपक्व ये होते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर। अच्छा स्टैट्स देख लो, एक मैच में 43 रन, हेड टू हेड में 8 मैच में 75 रन, एक विकेट, यानी गेंदबाजी भी कर सकता है। एंड यस कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद में भी हो सकता है कि कभी कभी इसको सैमसन बुला लेता है, आओ गेंदबाजी करो, तो गेंदबाजी भी कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, यानी विकेट जीरो भले हो, 2-3 जगह और एक जगह 2 विकेट है, लेकिन ये क्या है गेंदबाजी लड़का करता है, तो इस बात का ख्याल रखना। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इनका संजू सैमसन का 82-29, 128-35, अच्छा फॉर्म है, टीम में रख सकते हो। ओके, राजस्थान रॉयल्स की और बात करें, शिमरन हेटमायर की बात करेंगे तो अगर लास्ट मैच में देखोगे तो 34 रन इन्होंने बनाया था, हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है, तो आज मैं बोलूंगा कि शिमरन हेटमायर यहाँ पे 25% है। देखो 25% होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रंप कार्ड, चौथे नंबर पे आ रहा है, पांचवें नंबर पे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो ट्रंप कार्ड हो जाता है। अगर पहले इनिंग में मान लो कि विकेट मिल रहा है, तो विकेट अगर राजस्थान ऊपर का गिर जाता है कुछ, तो बीच में आपको शिमरन हेटमायर खेलते हुए दिखेंगे। और सेकंड इनिंग की बात करोगे तो सेकंड इनिंग में बैटिंग क्या हो जा रही है, थोड़ी आसान हो जा रही है, और पिच जो बनेगी वो हो सकता है कि बैटिंग पिच को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान का जो मजबूती ज्यादा वो क्या है उनकी बल्लेबाजी, तो मे भी हो सकता है ऐसा ध्यान रखते हुए पिच बना दे बैटिंग वाली। और ऐसे में शिमरन हटमायर 25% है, आज दोबारा भी ये क्या हो सकता है ट्रम्प कार्ड, तो देखो परसेंटेज और सिलेक्शन के हिसाब से ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, लेकिन आउट होने के लिए एक गेंद लग सकती है और हो सकता है कि मे बी वो आउट हो जाए, बट ध्यान देना परसेंटेज और सिलेक्शन के हिसाब से क्या है 25% है। हम देखेंगे लास्ट टाइम में मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, इनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मैं इनके बारे में आज के मैच के लिए 50-50% श्योर हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, दो टीम बनाता हूं तो एक में रखूंगा एक में नहीं रखूंगा। ध्रुव जुरेल की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव जुरेल देखो राइट हैंडेड बैट्समैन आपको दिख रहा है, रीसेंट रिकॉर्ड देखो तो 20-57, 13-77, 11 डाउन डी ऑर्डर ये बल्लेबाज बहुत अच्छा है। और ध्यान देना पहले इनिंग का सिचुएशन समझना, पहले इनिंग में जब विकेट अगर गिरती है यानी टॉप ऑर्डर में से आप बल्लेबाजों को हटाते हो आप जहां पे पहले इनिंग लोग खेलेंगे, तो फिर मिडिल में आपको शिमरन हटमायर ध्रुव जुरेल के पास आना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में आकर के तो यही खेलेंगे। एंड सेकंडली अगर सेकंड बैटिंग आती है तो हो सकता है राजस्थान रॉयल्स को कोई भरोसा नहीं होता है, अगर ये लोग दिल्ली को कम रन पे लाइक लेट्स सपोज कि 140-45 रन के बीच ऑल आउट कर देते हैं दिल्ली को पहले बैटिंग करा करके, तो इनका जो टॉप ऑर्डर आपको दिख रहा है ना, ये देखो नाम देख रहे हो, ये चेहरा इन लोगों का देख लो, ये दोनों चेहरे ऐसे वाले हैं जो 145 रन तो ये अकेले चेस कर लेंगे, मतलब दोनों मिलके ये 10 विकेट से चेस करते हैं, अगर 140-45 के अंदर अगर वो ढा देते हैं तो। एंड यस चांसेस है कि अगर थोड़ी सी पेसर्स को मदद यहां पे मिल जाएगी शुरुआत में, और पहले ये लोग बल्लेबाजी करवाते हैं किसको, दिल्ली वालों को, कि आओ तुम बल्लेबाजी करो, और इनका पेस अटैक उस लेवल का है कि इनको आउट कर सकता है 140-45, तो एक टीम ऐसी जरूर बना लेना जिसमें आप सेकंड इनिंग बल्लेबाजी कराते हुए राजस्थान को मानना कि ये 9 या 10 विकेट जीत जाएंगे। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल, बटलर
और ये आपको क्या नाम है संजू सैमसन, ये तीन बल्लेबाज काफी होंगे। आप तीनों आकर के क्या कर लेंगे चेस, तो 9 विकेट से विकेट अगर आप बनाना चाहते हो तो इनको चेस करा लेना, तो इन्हीं के तीन बल्लेबाज और प्लस इन्हीं के गेंदबाजों को रख लेना और दिल्ली के गेंदबाज को हटा देना। क्यों? क्योंकि दिल्ली के गेंदबाज तो विकेट ही नहीं लेंगे क्योंकि विकेट इनके गिर ही नहीं रहे, तो एक टीम ऐसे बना लेना। ठीक है, मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ विकेट कैसे कैसे बनाना है, टीम कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, सिचुएशंस को बता दे चल रहा हूँ। और देखो सिमरन हेटमायर का ध्रुव जुरेल का मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो काम देगा। बट प्लीज टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लिया करो यार, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। एंड यस, अगर 5,000 रुपए का अगर आप प्राइज मनी हर महीने के अंत में जीतना चाहते हो तो मेरे लिंक के थ्रू अगर आप CDC अगर आप डाउनलोड करते हो तो प्राइवेट कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। और प्राइवेट कॉन्टेस्ट में ये है कि जो टॉप थ्री मेरे लिंक के थ्रू जो जाएगा डाउनलोड करके खेलेगा वहाँ पे कॉन्टेस्ट प्राइवेट, जो टॉप थ्री आएगा ना पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, मेरे लोग मेरी जनता टॉप थ्री के बीच में 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,500 पहले वाले को, दूसरे वाले को 1,500 और तीसरे वाले को 1,000 रुपये। तो हर महीने के अंत में आपको 2,500 रुपये वहाँ पे प्राइवेट कॉन्टेस्ट खेल के मिल जाएगा अगर आप पहले नंबर पे आते हो तो, और 10 गुना मैंने बताया वहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ जाके डाउनलोड करके वहाँ पे आप खेल सकते हो, प्लेटफॉर्म अच्छा है यार, काफ़ी चीज़ें मैंने देखा है वहाँ पे, स्टैट्स वगैरह काफ़ी दिए रहते हैं, हेड टू हेड सब कुछ। अब ये देखो आवेश खान की बात करो, आवेश खान डेथ में आके गेंदबाजी करता है और हिटिंग द डेक हार्ड, डेक पे तेजी से फेंकता है, हालांकि रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन क्या है 5%, इसलिए आज के मैच के लिए क्या बन जाते हैं ट्रम्प कार्ड। ट्रेंड बोल्ड है 74%, लेकिन आप समझना बुमराह अगर फेल हो सकते हैं, किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या कि बुमराह एक विकेट भी नहीं लेगा कल के मैच में? तो पिच की रिपोर्ट वो बताते हैं, माना करो बट पूरा 100% मत माना करो, आप भी थोड़ा सा पिच को सीखो, पढ़ना सीखो, दरारों को पढ़ना सीखो, पैचेस जो रहते हैं उसको पढ़ना सीखो, काली मिट्टी को पढ़ना सीखो, वो सब टेलीग्राम पे हमारी बातें होती है, हालांकि हम तो पिच रिपोर्ट को मान लेते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। कल के मैच में मैंने मान लिया था, वरना मैं जल्दी मानता नहीं, आपको पता है आप अगर पुराने लोग हो मेरे साथ आप जानते हो मैं जल्दी मानता नहीं उन लोगों का कुछ भी, कुछ नहीं मानता मैं जल्दी, बट हो गया, गलती हो गई, क्या पता था बुमराह नहीं लेगा, क्या पता था एम फाका, और क्या मुझे लगता है सबसे गलती हुई, किसने सोचा था 278 मारेगा सनराइजर हैदराबाद, और किसने सोचा था जब मुंबई आएगी तो 246 तक पहुंच भी जाएगी, लेकिन क्या मजा आ गया गेम। अच्छा, ट्रेंड बोल्ट को देखो, अगर बुमराह को अगर आप फेल कर सकते हो तो क्या ट्रेंड बोल्ट को आप फेल कर सकते हो, सवाल आपके मन में होगा ना, तो प्लीज सवाल में लगाना, सेकंड इनिंग में सोचना क्या इनको फेल किया जा सकता है, टीम से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान देना जो परसेंट ऑफ सिलेक्शन इनका हाई है उनको अगर हम बाहर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गेम में क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का गेम बहुत चलता है। राजस्थान रॉयल्स की यूजी सहल की बात करो, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही है भुवनेश्वर कुमार का भी रिसेंट फॉर्म तो बहुत अच्छा था, और भी गेंदबाजों का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा था, लेकिन देखा गया है कि अगर पिच सपोर्ट नहीं करेगी तो रिसेंट फॉर्म भी मैटर नहीं करता यार, सच में मैंने देख लिया, तो वही है रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, काबिल होनहार गेंदबाज है, स्पिन अच्छा फेंकते हैं, हवा में फ्लाइट बहुत अच्छी करते हैं, एक समय तो समझ जाओ कि इंडिया के हर मैच के लिए फिक्स थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं पता। बट अभी क्या है यूजी चहल का वही सीन है कि 86% है, परसेंट ऑफ सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और स्पिनर्स को उतनी खास मदद यहाँ पे है नहीं, जब दोपहर में देख लिया गया दोपहर में उतनी मदद नहीं है तो रात में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं मदद, खास तौर से सेकंड इनिंग में एकदम मदद नहीं है, सेकंड इनिंग में रूजी को आप क्या कर सकते हो ड्रॉप कर सकते हो। यस, देखो रखने को तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि आप रख लो, बड़ा प्लेयर है, ट्रेंड बोल को तो मैं इजीली बोल सकता हूँ रख लो, इजी प्लेयर है, मैं इससे क्या होगा मैं बच जाऊंगा ना, बिल्कुल मैं बच जाऊंगा क्योंकि बड़ा प्लेयर है, लेकिन बात यही है कि इजी वाली चीजें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ इनको रख लो, इनको रख लो, रविचंद्र अश्विन को रख लो, संदीप, लेकिन बात क्या है कि वो टेढ़ी चीजों को पकड़ना, हमारे हिसाब से सारी चीजें हो जाएं और जिनका परसेंट ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है, जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा दर्शन है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, सब कुछ उन्हीं के पक्ष में और उन्हीं का मैं नाम ले लूंगा, इनको रख लो, तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा ना, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, सोचना ये है ना कि हम किस पे रिस्क ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है ना, तो वो चीज जानना जरूरी है। हालांकि सेफ खेलने के लिए मैं बोल सकता हूं ट्रेंड बोल्ट को भी रख लेना, आप इसको भी रख लेना, लेकिन वही है सोचना पड़ेगा कि यार किसको ड्रॉप कर सकते हैं ना। अगर इंपैक्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से इंपैक्ट प्लेयर जो लास्ट मैच में आए थे वो कौन आए थे, नैंद्रे बर्गर आए थे, नैंद्रे बर्गर को आप टीम में रखना, मैं बोलूंगा इस मैच की रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहली इनिंग है या सेकंड इनिंग है, दोनों इनिंग में आप क्या कर सकते हो नैंद्रे बर्गर को आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, खासतौर से इंडिया के खिलाफ इसका इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही रह रहा है, कुछ ज्यादा ही जोश के साथ फेंकता है, तो नैंद्रे बर्गर इज इंपैक्ट प्लेयर। ओके, दिल्ली की बात कर ले तो देख लो ये इनके 11 हैं, आप ले सकते हो उनकी पिक्चर ले लो, खलील अहमद अच्छी गेंदबाजी लास्ट मैच में ले गया था, मैंने ट्रम्प बोल दिया था और लास्ट में विकेट ले गया, मैं तो बच गया था बट मारता है कटर ले गया था। ईशांत शर्मा मैंने बोला था, मैं बोला था इंडियन लड़कों में मैं खेलूंगा, ईशांत शर्मा 2 विकेट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 36% है डेविड वॉर्नर, 36% ट्रम्प कार्ड, लिख लो उसको, लिख ले लो ऑन पेपर ट्रम्प कार्ड। मिचेल मार्स पहले इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करता है तो सेकंड इनिंग में आके क्या करेगा, घातक नहीं, सेकंड इनिंग में तो ओस गिर रहा है ना, तो पहले इनिंग में बल्लेबाजी तो इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, पहले इनिंग में यहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये थोड़ा आउट नहीं हो जाए, पहली इनिंग हो सेकंड इनिंग हो मस्ट पिक है मिचेल मार्स, और आज के लिए आपका ट्रम्प कार्ड होगा, खास तौर से ध्यान देना, ट्रम्प कार्ड नहीं, आज का आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कंटेंडर होगा, खास तौर से ध्यान देना कि अगर पहले इनको उसमें बल्लेबाजी मिल जाएगा तो और भी मजा आएगा, खैर दोनों के लिए, दोनों इनिंग के लिए। और यस, डेविड वॉर्नर
लोगों को लगेगा, लेकिन ध्यान दो यही दोनों इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और मुझे लगता है पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो ये शुरुआत दोनों अच्छी देंगे, बिल्कुल शुरुआत देंगे अच्छी। उसके बाद आते हैं शाई होप, थोड़ा सा कल पिछले मैच में देखो थोड़ा सा घबराए हुए थे, है ना, पहला घबरा मैच पहला है तो घबराया हुआ रहता है इंसान थोड़ा थोड़ा, बट अभी क्या है धीरे धीरे ये क्या आएंगे फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी लाइन पर आ जाएंगे। शाई होप आज के मैच के लिए अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो कुछ खास नहीं है, बट आज के मैच के लिए मैं बोलूंगा कि यस आप नजर रखो, बिल्कुल शाही होप पे रखो, 95% है हालांकि, तो पहले इनिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो शाही होप पे, सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो, सेकंड इनिंग। ऋषभ पंत की अगर बात बताओगे तो मैं ऋषभ पंत के साथ आज 70-30% श्योर हूँ कि करेंगे, 70-30% मैं फेवर में हूँ कि आज क्या करेंगे ऋषभ पंत अच्छा करेंगे बिल्कुल। रिसेंट फॉर्म की आप फोटो ले लो, वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। रिकी भोई की बात करोगे तो चौथे पांचवें नंबर पर है और ये 4% है और ये प्लेयर आपका बन जाएगा आज का ट्रम्प कार्ड, क्यों, क्योंकि समझो ऊपर से अगर विकेट गिरेंगे राजस्थान अगर गिरा दीजिए क्योंकि इनके पास ट्रेंड बोल्ट वगैरह हैं, या ट्रेंड बोल्ट का सीन आपको समझते हो वैसे हैं, उस तरह के गेंदबाज हैं, अश्विन भी लपकाते हैं, यूजी भी लपकाते हैं, तो ऐसे में फंसाते हुए ये लोग इधर ला सकते हैं बीच में, और रिकी भोई हो सकता है कि यहाँ पे आप पे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, परसेंट ऑफ सिलेक्शन काफी कम है, डाउन दी ऑर्डर अगर 30-35 रन भी बना देता है लड़का तो टॉप 11 का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, जिस टीम में आप चाहते हो इस टीम में शामिल हो जाएगा। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करो तो 82% है, पहले बैटिंग करते हो आप इनको टीम में रख सकते हो, ठीक है, हालांकि पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग दोनों है, बट सेकंड बैटिंग क्या ओस की वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि इनका टॉप ऑर्डर ही आकर के कुछ कारनामा कर ले, चेस कर ले, ज्यादा मौका ना मिले, लेकिन यस पहले इनिंग में खेलते हुए मौका मिलेगा, अगर इनका थोड़ा सा ऊपर कोलैप्स होता है तो बैटिंग का मौका इनको मिल सकता है। 60% श्योर हूं मैं कि इनको टीम में रखो, 40% फेवर में हूं कि मत रखना, ठीक है। अक्षय पटेल 2% है, बिल्कुल आपको टीम में रखना चाहिए, बिल्कुल रखो आप, ठीक है, डाउन डी ऑर्डर ये लड़का आके खेलता भी और अच्छा प्लेयर है। सुमित कुमार राइट हैंडर फास्ट मीडियम है और राइट आर्म फास्ट है और ये देखो रीसेंट फॉर्म देखो, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, यानी रीसेंट फॉर्म देखो तो उसके हिसाब से अच्छा है सुमित कुमार, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वही है परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्या है 82% है, तो वी विल फाइंड आउट कि क्या हमें जगह मिलती, क्योंकि हमें जो गेंदबाज होगा 7-8 गेंदबाज तो रखेंगे नहीं, 3-4 गेंदबाज मिला के रखना है, तो देखते हैं जगह इनकी बनती कि नहीं बनती, बट यस इनको स्टैंड बाय पे रखो, मतलब साइड में रखे रहो, इनके ऊपर नजर रखना है, ठीक है। और कुलदीप यादव 6% इंपॉर्टेंट पिक है, पता है परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्यों कम है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद नहीं है ना, इस वजह से जितने स्पिनर हैं आपको देख रहे हो यहाँ पे क्या है परसेंटेज कम है, और वहीं इनके युजविंदर चहल जो है उनका परसेंटेज तब हाई है तो फिर उनका क्यों हाई है, तो ऐसे में जब युजविंदर चहल के लिए आप सोच रहे हो कि स्पिन को मदद मिलेगी तो आपको कुलदीप यादव का भी सोचना चाहिए, और कुलदीप यादव को ज्यादा इसलिए क्योंकि कुलदीप का क्या है परसेंट ऑफ सिलेक्शन कम है, तो नजर रखना। ईशांत शर्मा पुराना चावल विकेट लेके जाएगा, आई एम टेलिंग यू पिछले मैच में बोला था आज भी बोल रहा हूँ, विकेट लेके जाएगा पहले इनिंग में, और ये देखो 2%, ये 2% वाले 4-8-10% वाले इनके ऊपर नजर रखा करो, और इंडियन खिलाड़ी को हिंदुस्तानी खिलाड़ी को हमारे भारतीय खिलाड़ी को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत किया करो, भले इनका परसेंटेज कम है लेकिन परसेंटेज कम है तो मौका ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है इसलिए मौका क्या है, ऐसा नहीं कि मौका ज्यादा नहीं, वहां भी मौका ज्यादा है, लेकिन ध्यान दो अगर वो गए तो आपकी टीम रैंकिंग में बहुत पीछे चल जाएगा, और ये लड़के है ना अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपकी रैंकिंग का बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंट ऑफ सिलेक्शन क्या है काफी कम है, बट अगर ये लड़के चल जाते हैं ना अपने इंडियन लड़के जिनका परसेंट ऑफ सिलेक्शन कम है तो आपकी जो रैंकिंग होगी वो बहुत ऊंचाइयों पे बहुत ऊपर लेके जाएंगे, तो रैंकिंग वाला जो होता है ना उनको परसेंट ऑफ सिलेक्शन सिखा करो, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आज के मैच के लिए देखो तो हो सकता है मुकेश कुमार आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिख सकते हैं, या फिर देखते हैं यार कौन खेलता है, अभिषेक पोरेल लास्ट मैच में आता है, अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी कर दिया था, बट देखते क्या होता है फाइनल जो टीम होगी ना। एक बात समझना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं बहुत प्यार से, समझना मेरी बात को यार, मैं ना मैं एक अकेला आदमी हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, मैं कंटेंट्स को रेडी करता हूँ, डेटा को रेडी करता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे जब अपलोड करता हूँ फिर तो उसकी सेटिंग वेटिंग मैं करता हूँ, थंबनेल्स भी यार मैं ही बनाता हूँ, और सब कुछ मैं करता हूँ, एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सब कुछ मैं करता हूँ, तो मैं अकेला इंसान हूँ जो बहुत सी चीज़ें करता है, इस वजह से मेरी वीडियो आने में भी आप देखते हो कि लेट हो जाता होगा, और लेट भी हो जाती है और बहुत सी चीज़ें छूट भी रह जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, मुझे प्यार और सपोर्ट दो, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वर्ल्ड कप्स में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पैसा अगर मुझे कहीं से कहीं से मिल जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाता है तो मैं एडिटर्स वगैरह रख लूंगा, बट क्योंकि मैं अकेला हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर कोई चीज़ यहां पर रह जाती है ना तो मैं टेलीग्राम पर आके बता देता हूं, अगर मैं यहां पर टीम ना डाल पाऊं ना इस वीडियो के वक्त क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो प्लीज़ इस बात पर वो नाराज मत होना, मैं टेलीग्राम में टीम दे दूंगा, जस्ट इस वीडियो के बाद ही मैंने जो भी आपको लॉजिक्स बताया अभी जितनी भी टीम हो उसके आधार पे जस्ट मैं टेलीग्राम पे आधे घंटे के बाद मैं टीम डाल दूंगा, तो इससे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ अगर नहीं मिल पाएगा तो प्लीज़ नाराज मत होना। एंड यस आज के लिए मैं आपको गिव अवे का सवाल यही पूछता हूँ कि आपको बताना होगा, आपको पता है गिव अवे का कल मैंने एक विनर को मैंने दिया था, उसने बताया था कि सबसे ज़्यादा विकेट कीपर कौन सा पॉइंट देगा और कौन सा विकेट कीपर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, और उन्होंने सही जवाब दिया था, तो मैंने उनको 1,000 रुपये गिव अवे की प्राइस दिया था, यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ देख लो आप, यहाँ पे आज भी गिव अवे का सवाल वही होगा कि आपको बताना होगा कि कौन सी टीम होगी
जो सबसे ज्यादा रन आउट होगी, ठीक है, कौन सी टीम में सबसे ज्यादा रन आउट होंगे, और सेकंड चीज आपको इसमें यह बताना होगा कि कौन सा वो बॉलर कौन सा वो प्लेयर होगा जो सबसे पहला रन आउट करेगा, होगा नहीं पहला रन आउट करने वाला कौन होगा विकेट कीपर को छोड़ के, ठीक है, वो आपको बताना होगा, जो पहला थ्रो मारे और वो क्या हो जाए रन आउट हो जाए, उस आपको फिल्टर का नाम बताना होगा, जो भी सही जवाब देगा तो उसको गिव अवे के तौर पे मेरी तरफ से 1000 रुपए की प्राइस मनी उसको मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज प्यार सपोर्ट बनाना, टीम अगर नहीं दे पाऊंगा तो मैं टीम आधे घंटे के बाद टेलीग्राम में ज्वाइन कर दूंगा, और मेरी जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी सपोर्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए, प्लीज समझना, अकेला हूं, ठीक है। चलो आप अपना ख्याल रखना, प्यार सपोर्ट देना, सवालों का जो सही सही जवाब देना, क्या कॉमेंट, कैसी वीडियो लगी हो कॉमेंट करके यहाँ पे बताना, और यस ठीक है, कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर के बात कर सकते हो, शाम में मैं लाइव आऊंगा, तो प्लीज टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपना ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।